आगे दिन दिए क्योंकि निश्चित नहीं कर सकते एक्सपेक्टिंग सम समथिंग सम कुछ ऐसा कुछ तो ये नहीं है कोई निश्चित नहीं है जस्ट वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू गाइस आपको कहा ना स्वीट सरप्राइज में फिनाले से पहले
परेशान भी करके बहुत मदद भी किया, बहुत ज्यादा राउट पीछे हो जाए इसमें बस। अरे हम लोग कितने आगे हो रहे हैं। अरे तो लाइट चालू करना है, तो लाइट चालू करना है, लाइट चालू है बंद है। यार ये भाई क्या की जर्नी इतनी शानदार रही है। रोल कर, रोल कर, चलो ठीक है ले भाई, ला 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 रोल कर, बस खत्म कर दे। चलो सुने ना, एक बार हम दोस्तों के साथ एक एक मैं कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग साथ में चलते हैं, ठीक है? बस 5 मिनट लेता हूँ। चलो ठीक है। अरे वो बात कर रहे हैं, बात कर रहे, बात कर रहे, बात कर रहे, बात कर रहे दोस्तों। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, बाकी सब वड़ा पाव खाते और ट्रॉफी यही लोग घर लेकर आते, क्या बात है। मतलब कहीं ना कहीं ये इन्होंने बता दिया कि भाई पैसा तो है सिर्फ भाई बात की बात है, लेकिन ट्रॉफी हम ही घर लेकर आएंगे। मैं आप दोनों से एक बात जानना चाहूँगा, एक जर्नी रही सक्सेसफुल, विनर का खिताब जीते हो, आप उस पहले दिन को जब घुमाकर एक बार नज़र घुमाते हो तो क्या नज़र आता है? उस दिन ये नज़र आता है कि मैं रूम के अंदर बहुत नर्वस था, हम सारे लड़के रूम के अंदर थे और बाहर से एक रिहर्सल आवाज़ और मुझे बाहर आना था और मुझे थोड़ा परफॉर्म करना था, परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र एक ही लड़की के ऊपर जा रही है, वो जहाँ चमक रही है वहाँ, ऑनेस्टली बाकी सब ब्लर है, दिखाई नहीं मुझे, एक चमक रही है एंड दैट्स आकृति। एंड दैट टाइम आई डिसाइड कि आई वुड लव टू सी वेयर दिस गोस एंड अ पर्सनैलिटी, वाओ, आई वाज एंड हर आईज, हर लिप्स, एवरीथिंग, मैं तो फिदा हो गया उस टाइम। सो दैट्स द फर्स्ट डे वी मेट, फेब 14, एंड या आई फेल इन लव दैट डे। इनकी आंखों की चमक के बारे में क्या बोलना? जब जशवंत आया था तो मुझे कॉन्फिडेंस, मतलब ऑफकोर्स ये स्मार्ट है, सब कुछ है, इसमें कुछ कमी नहीं है, बट जब ये आया ना तो मुझे ऐसी वाइब आने लगी थी कि मैं इसके साथ बहुत स्ट्रांग रहूँगी शो में, शायद मैं ये शो जीत भी सकती हूँ, इसके अलावा मुझे और कोई संभाल भी नहीं सकता है, कोई चांस ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसको देख के मुझे एक अंदर से एक आग आती है शो जीतने की, क्योंकि ये पूरी अच्छी तरीके से फिट है, हर टास्क कर सकता है, फिजिकल टास्क चाहे कुछ भी हो, ये सारे लड़कों में से बेटर था, चाहे यहाँ से हो चाहे फिजिकल हो, तो इसको लेके मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस था। ये एक्चुअली बेसिकली मेरा फ्लेक्स था, जशवंत बोपन्ना मेरा फ्लेक्स था कि इसको लेके मैं हर जगह फ्लेक्स करती थी, और मैं अगर चढ़ के भी बोलती ना कि तू शेर है यहाँ वहाँ, भले ही मैं चैलेंज वाले, मुझे ये पता है कि जशवंत संभाल लेगा। तो मैम किसी सीखा है कि कामयाबी पाना बहुत आसान है, उस कामयाबी को संभाल के रखना ये सबसे कठिन बात होती है। और यहाँ से अब आपको कई लोग फॉलो करेंगे, कई लोग आपके जैसा जाना चाहेंगे, कई लोग आपके जैसा विनर एक जर्नी जीना चाहेंगे, उनको अगर आप कुछ समझाना चाहो या कोई टिप देना चाहो क्या चाहोगे? क्योंकि मैंने कहा ना कामयाबी आ गई, लेकिन अब इसको संभालना आप दोनों की जिम्मेदारी। वाओ, वेरी नाइस क्वेश्चन। आई वुड से कि बी योरसेल्फ, बी यूनिक एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ। आप ऐसे काम मत करो जहाँ यू माइट नॉट लाइक अनदर पर्सन डूइंग इट टू यू, सो इफ यू डू दैट एंड स्टिक टू योरसेल्फ एंड स्टिक टू योर रूट्स, यू विल बी फाइन।
बेसिकली मैं इस क्वेश्चन का वेट कर रही थी बहुत देर से, अभी तक मुझे किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं. मुझे आंसर करना था क्योंकि जिस इंडस्ट्री में भी हम लोग आ चुके हैं रियलिटी शो की, यहाँ पर रेलिवेंट लेने के लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ करते रहना है, वरना कल को दूसरा यूथ आएगा वो हमें ओवर पावर कर जाएगा. मैं क्वेश्चन भूल गई. रेलिवेंट लेने के लिए कुछ ना कुछ हमें करते रहना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर कोई दूसरा स्प्लिट फिल्म आएंगे वो हमें ओवरशैडो कर देंगे. बट यही चीज़ है ना, हमने एक मार्क छोड़ा है स्प्लिट फिल्म में. जशवंत बोपन्ना, आकृति नेगी जैसे दूसरा कोई तो नहीं आ सकता है, एक ही थे वो. बट हमारे जैसे आ सकते हैं, जैसे कि हमें इनके जैसा बनना है. जैसे पिछले साल में मैंने जस्टिन साक्षी को देखा था तो मेरे को थोड़ा सा कनेक्ट हुआ, उससे पहले मैंने अदिति को देखा था तो हमें भी एक आइडल मान के कल को दूसरा आएगा. तो वो चीज़ मुझे ऐसी लगी कि यार कुछ ना कुछ तो करते रहना है, अपने आप को इस जर्नी में इस इंडस्ट्री में रखना है तो हर दिन कुछ ना कुछ मुझे करते रहना पड़ेगा. एंड आई लाइक टू से कि मुझे एक चीज़ तो सेट करना था इस शो पे कि अगर आप रियलिटी शो करते हो ऐसा नहीं कि हर बार लड़ाई करने से ही आप जीत सकते हो. यू कैन बी क्लीन, यू कैन बी नीट एंड यू कैन स्टिल डू वेल इन द शो. तो अभी रिसेंटली किसी ने एक इंटरव्यू के लिए गया था और पूछ रहा था कि क्या कर सकते हो तुम, लाइक मैं तो एरोगेंट हूँ, ईगो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लड़ाई कर सकता हूँ, डैश ये कर सकता हूँ. और फिर से बोला क्यों करना है तुझे, अब फिर से देख रहे हो, उसे बोला हाँ. फिर से बोला कि जशवंत देखा है, हाँ वो लड़ाई कर रहा है, ऐसे फालतू में लड़ाई कर रहा है, किसी के ऊपर फालतू चीज़ें बोल रहे हैं, नहीं तो देख कितना आगे गया है वो, कितना अच्छा किया है वो. तो मुझे वो मार्क छोड़ना है इस इंडस्ट्री में. अगर बात करूँ जिस तरीके से आप डिजर्विंग है, कहीं ना कहीं दिग्विजय भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, वो बैठ गया ज़मीन पे, रोने लग गया और उसका दिल बहुत ज़्यादा टूटा, क्योंकि वो डे वन से जब कह रहा था, जब वो उर्फी जी के साथ था तभी उन्होंने कहा था कि यार पैसे नहीं, वो ट्रॉफी का मैं हकदार हूँ. तो उनके लिए कितना बुरा लगता है, एक विजेता होने के कारण आप अपने जो साथ के थे उनके कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या बोले? आई वुड लाइक टू से टू दिग्विजय दैट टफ लक भाई, कहीं ना कहीं यू डिडंट डिजर्व इट, बट इट्स अ कनेक्शन का गेम. तो पहले दिन से आपको कनेक्शन को संभालना चाहिए था, मेंटेन करना था. एंड इट्स अ लॉन्ग गेम, आपकी एक डिसीजन हैज़ चेन रिएक्शन, मल्टीपल थिंग्स विल चेंज. तो शायद यू कैन लुक बैक एंड सी वेयर यू वेंट रॉन्ग, बिकॉज एंड ऑफ द डे दो लोग जीतते हैं, एक नहीं. सो दोनों को खुश रखना है एंड मे बी योर कनेक्शन वाज़ स्ट्रॉन्ग इनफ जहाँ शी चूज यू ओवर मनी. हाँ, आवर कनेक्शन वाज़ सुपर स्ट्रॉन्ग दैट वी चोज ईच अदर ओवर मनी. मैं दिग्विजय, अरे यार मुझे लगा आगे चल जाएंगे. मैं ये बस बोलूँगी कि रोडीज में भी उसने अच्छा किया था, स्प्लिट्स में भी उसने अच्छा किया, भले ही वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया बट कशिश से ज़्यादा प्यार जीत के गया है, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती. ट्रॉफी तो चलो अच्छी बात है, हम लोगों ने मेहनत की. मुझे तो ऐसा लगता है शो में दो विनर्स हैं, समझ लो, मुझे ऐसा लगता है, डोंट यू थिंक? हाँ, एक आप और एक मैं. बट हाँ, कहीं ना कहीं हमें लगता था कि अगर वो फिनाले में आता तो अच्छा कंपटीशन होता. और बस ये बोलूँगी डोंट वरी, कल को अच्छा और शो मिलेगा, तुम और अच्छा करोगे. मैं आप दोनों जान चाहूँगा, ये रियलिटी शो ने मैं आपसे एक दो सवाल आखिरी जान, पहला सवाल ये कि रियलिटी शो है, यहाँ पे लोगों को लगता है अगर मैं बहुत जिम जाके बॉडी बना लूंगा तो ये शो जीत जाऊंगा या फिर मेरा नेचर मुझे जिता देगा, लेकिन आप दोनों के जीतने के बाद ये समझ में आया कि तुम जैसे हो वैसे रहो, ट्रॉफी तुम्हारी घर आएगी. नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं. जिम जाके मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, इट्स नॉट ऑल अबाउट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ फ्रॉम हियर. एंड ऐसा नहीं दिखा रहा कि बॉडी है, लेकिन स्ट्रेंथ होना चाहिए भाई, स्ट्रेंथ फर्क है, बॉडी है और स्ट्रेंथ है. और यू कैन सी दैट, यू बी टेल नो हाउ मच स्ट्रेंथ है. बहुत स्ट्रेंथ है इसमें, मतलब लोगों को झूला झुलाते हैं, दिग्विजय को झूला झुलाते हैं, शिवित को झूला झुलाते हैं, बट सबसे पावरफुल यही था. मैं लास्ट में जाते जाते ही बोलूँगी कि मैं शो में आने के बाद ना एक छोटी आकृति जो सपना देखती थी ना छोटे में कि यार स्प्लिट्स वाला करना है, ये करना है, वो करना है, तो उसको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आकृति तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें जो अचीव करना था तुमने किया. एक कहते ना कि मैंने ड्रीम देखा था, तो मैंने एक ड्रीम देखा था कि मुझे एक रियलिटी शो जीतना है, वो मैंने जीत लिया. अब मुझे आगे हासिल करना है अपने लिए, कुछ अच्छा करना है अब, तो जो सोचा था वो हुआ. प्राउड ऑफ यू लिटिल आकृति. लास्ट में बता दी, कोई रियलिटी शो और जिसके दरवाजे पर आप दस्तक देंगे? काफ़ी सारे हैं इस साल ही. सो जो OTT चला शायद उससे मेन शो पे आएंगे. आई कांट टेल यू विच शो, मैं बस बोल रहा हूँ. डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आती है तो जाएंगे, बस थैंक यू. लास्ट बस इतना फैंस ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना प्यार दिया? लव यू सो मच, लव यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड ऑल द टाइम यू डिफेंडेड अस एंड योर
showed us so much love. You made us feel so much special. And kind of, hey, aap log ki ek reason hai jahan we feel so happy and special together. So thank you for all of that, and we'll make you proud. Aur trophy ghar aaiye guys. Okay. हाय गाइज, यू आर वॉचिंग बजूका एंड दिस इज आयुष्वरी। दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते, लेकिन लाइफ में कभी सक्सेस मिलने का मौका मिल जाता और एक अच्छी खासी जर्नी हमारे हाथ लग जाती है। ऐसी जर्नी भाई को लगी है स्प्लिट्सविला के दौरान। ढेर सारा प्यार दिया जनता ने, और जब साथ परिवार खड़ा हो तो एक अलग हिम्मत मिलती है। मैं आपके पिताजी को, मम्मी को, यहाँ ब्रदर्स खड़े, मैं आप सभी से एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब टीवी पर इन्हें देखते थे कभी वो बचपन का याद आता था, यार ये तो इतना छोटा था चल भी नहीं पाता, आज जो कैसे भिड़ रहा है बड़ों से। Yes, definitely, definitely. We'll have that feeling all the time. And we feel that, okay, such a small child now grown and become a celebrity in the industry. So we are quite happy, excited about that. मैं आपसे जाना चाहूंगा, अगर मैं अपनी मम्मी को भी अगर आपकी तरफ देखा जाए तो बच्चा कितना बड़ा हो जाए, माँ के लिए ना वो उतना छोटा ही होता है, और आज भी उसे वो कंघी से ही मारेगी। तो ये इनका बड़ापन अभी तक गया कि आज भी ऐसी ट्रीट होता है? ए, बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ। पहली मम्मी जो मैं कैमरे के सामने कह रही, बहुत अच्छा बच्चा, तो अक्सर मम्मी कहती मैं बहुत मारती हूँ, बाद में अच्छा होता है। Yeah, I have given him nicely. That with the sticks actually. I caned him nicely. भाई की एक बात है, भाई जैसे रियल लाइफ में वैसी स्प्लिट्स फिल्म में देखने। Exact. He did not portray anything else. How he is normally in life, he played the game exactly like that. Like ditto same. वैसा ही, मतलब even in real life, he's calm, composed, और उसको पता है कि मतलब हर जगह अननेसेसरी बोलना जरूरी नहीं है, जहाँ बोलना पड़ता है वहाँ बोलता है, और जहाँ इसको काम करके दिखाना पड़ता है वो दिखाता है, अदरवाइज बहुत चिल है। मतलब भाई जिस तरीके से मैंने सभी से यहाँ पे फैमिली मेम्बर से बात की, समझ में आ रहा है कि ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको यहीं से आ रही है, जो आप स्प्लिट्स में जो जर्नी दिखा रहे हैं। वेरी ट्रू। आई थिंक इनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ मैं, एंड यू नो डिफरेंट शेयर स्ट्रगल वगल जो भी है, इट्स ऑल फॉर देम एंड माई सेल्फ एट द एंड ऑफ द डे। सो जो भी मैंने सीखा है, जेंटलमैनली बिहेवियर पापा से सीखा है, how to handle a woman, how to treat, how to be a gentleman, my mom has taught me all that. मेरे भाई से कहा था कि कैसे बकचोदी नहीं करना है देख के, और basically I think our whole family is like a nice unit, और घर पर भी थोड़ा स्पेसिफिक चल जाता है ऐसे, so it's not like पहली बार मैं इस माहौल में हूँ, but whatever I do it for them and myself, and they are my power. भाई अगर बात करूँगा इस जर्नी की, इस रियलिटी शो की, आप इसके अंदर अपने आप को कितना कंट्रोल करके रखे थे, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपने अभी तक बांध के रखी है वो दिखाया नहीं है दर्शकों की, भाई मैं ऐसा भी हूँ? पहले हाथ दे दो। वेरी गुड क्वेश्चन यार, क्या सवाल है यार। सो हाँ, आई थिंक कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एनी टाइम ओपन अप लूज करना, ये सब बोलना, गाली देना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो रिएक्शंस होते हैं, लेकिन सोच के समझ के, अब इतने लोग देख रहे हैं आपको, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी अ पर्सनैलिटी दैट पीपल लुक अप टू। तो इट्स अ रियलिटी शो एंड थिंग्स आर रियल, बट डिपेंड्स ऑन हाउ यू रिएक्ट टू इट ना। तो वो सब सोच के बोलना बहुत मुश्किल है, और बहुत पेंट अप है एंगर। तो ऐसा नहीं है कि मैं, मुझे चाटा नहीं मारना है, मुझे मारना है, मन कहता है कि जाके एक मारूँ, खींच के मारूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ना, बिकॉज आई एम नॉट दैट अ पर्सन, आई डोंट नो हर समन, बट अगर कोई मेरे मुँह पे से आके मुझे धक्का देता है तो ज़रूर मैं रिएक्ट करूँगा, लेकिन अभी तक ऐसे मोमेंट नहीं आया है। अगर आता है तो मैं दिखा दूंगा कि कितना स्ट्रेंथ है, कितना ताकत है मुझ में, एंड एवरीवन नोज़ हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, हाउ आई परफॉर्म। So it's not, you know, I don't think they want to come up and fight me. मैं sweet भी हूँ, ऐसा नहीं, I'm a very sweet gentlemanly guy, but at the same time, if you take a panga with me, if you come and come to my face, धक्का देते हो, तो मैं भी दूंगा, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। सर मैं आप दोनों जान जाऊँ, मैम आपसे, आमिर सर ने कहा है बहुत लंबे टाइम कि पापा कहते हैं बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा, और बेटा उस कगार पर आ चुका है, पहुँच चुका है, बड़ा नाम भी कर रहा है। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, जब आप इन्हें देखते हैं तो एक ऐसा कौन सा बदलाव है जो आपके अंदर आपको नजर आता है और फ़ख्र होता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है? What is that? His maturity level. His maturity level is quite high. जोर से बात करना है क्या? अच्छा। I think for his age, his maturity level is quite good. I am quite happy with this transformation and performance in this episode. अगर आपसे बात करूँ, मम्मी ना बहुत प्यार करती है, बहुत सुपरस्टिशन में बिलीव करती है, मैं आपसे जान जाऊँ, कभी इनको देखते रहे कभी क्या कि यार एक अगरबत्ती लगा देती इसका कुछ अच्छा हो जाएगा? वो तो है, वो किस तरीके का प्रे करते जब आप इन्हें कभी देखते थे किसी मुश्किल सिचुएशन में, या कभी इनको आपने सैड होते हुए देखा तो कब आपका क्या मोमेंट होता था उस टाइम? माय ओनली प्रेयर, ही शुड नॉट गेट हर्ट, दैट इज द ओनली प्रेयर, वेयर एवर गो फॉर बोथ द चिल्ड्रन आई प्रे दे शुड नॉट गेट हर्ट।
मेन थिंग। मैं आपसे समझ जाऊँ भाईचारे की जब बात करूँ तो एक बात हमेशा आती है, कभी देखते टाइम जर्नी में ऐसा लगाओ कि भाई गाड़ी निकाल चलते हैं, भाई को संभालते हैं। कभी ऐसा लगा नहीं नहीं, अरे हमको पता है कि इसको संभालना आता है अपने आप को, और फिर मतलब बचपन से, मतलब मैं तो इसको 10-15 साल से जानता हूँ, ही नोज हाउ टू गो इट, इसका दोस्त हूँ एंड आई हैव सीन हिम, मतलब कैसे ऑलवेज उसका वो विजन रहा है कि यू नो कैसे आगे जाना है, व्हाट आई हैव टू डू ऑन माय डेली टू गेट देयर। तो एज सच कोई आके इसके ऊपर पहाड़ तो डाल नहीं रहा है कि यू नो इसको नहीं पता क्या करना है, ही नोज कैसे करना है क्या करना है। ऑफ कोर्स अगर कभी कभी बात करने के लिए मतलब यू नो इसको जरूरत पड़ती है तो फिर भी टॉक टू, बट ऐसे नहीं लगा कि वो हाँ हमें जाना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमको पता है कि बंदा दिमाग से बहुत सॉर्टेड है, ही नोज व्हाट टू डू और सब कुछ सोच के करता है, तो फिर अगर कुछ ऐसे सिचुएशन भी आता है वो रिएक्ट नहीं करता, वो उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करता है। तो देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन पीपल रिएक्टिंग टू अर सिचुएशन एंड रिस्पॉन्डिंग टू समथिंग, हमेशा रिस्पॉन्ड करता है उस चीज़ को, तो सेंसिबल है, आई मीन ही नोज व्हाट टू डू, तो फिर ऐसे कोई वो नहीं। और फिर यू नो ऑब्वियसली इफ ही हैड सच अ गुड अपब्रिंगिंग तो फिर हम लोगों की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हमें संभालता था पहले, अब तो पता ही है कि यू नो ही टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एज़ वेल। ऐसा जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया इससे समझ में आया कि आपके दोस्त कैसे आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा तो तेरा भाई चलाएगा। ये बात तो अच्छी लगी भाई। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस जर्नी के अंदर में ऐसे कौन से लोग थे जिनके साथ अब आप आगे थोड़ी दूरियाँ बना के रखना चाहेंगे आपके अच्छे लाइफ के लिए? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि रियलिटी शोज़ में ना दोस्त नहीं बनते, सब लोग वहाँ कॉम्पिटिटर्स है, ये मेरा तीसरा रियलिटी शो है तीसरा, और सारे शोज से आई कैन से वन थिंग फॉर श्योर कि वहाँ अच्छे दोस्त नहीं बनते, अगर बन भी जाता है तो एक या दो होगा और वो ज़िंदगी भर आपके दोस्त रहेंगे, बट दोस्त नहीं बनते। एंड जिस तरीके से लोग चीज़ें बोल रहे हैं, और प्रॉब्लम ये है कि अभी ब्रॉडकास्ट चैनल है, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया है यहाँ, सो इसके थ्रू ये लोग शो के बाद भी इतनी गंदगी फैला रहे हैं सब जगह, आई फील लाइक इट्स नॉट वर्थ इट फॉर मी टू बी देयर फ्रेंड। भाई अगर जनता जूरी की बात करूँ, जनता जनार्दन होती है, और जनता जनार्दन जूरी की जब बात करो तो दिग्विजय का चेहरा सामने आ रहा है, क्या लगता है जो दौर था वहाँ पे जो सीन हुआ उसके लिए आप कितना उसको फेयर अनफेयर मानते? मैं तो था वहाँ एंड 100% दिग्विजय के लिए सपोर्ट था, लेकिन शिविर के सामने ना कोई भी बीप विल बी अ हीरो, क्योंकि शिविर इतना इंसान है कि वो सोच के नहीं करता चीज़ें, और जो भी इसके सामने लड़ेगा वो ऑटोमेटिकली हीरो बन जाएगा, ये तो लिख के दे सकता हूँ। अगर मैं भी वहाँ जाता हूँ तो मैं भी हीरो ही दिखूँगा शिविर के सामने, अगर कोई भी कंटेस्टेंट शिविर के सामने जाएगा लड़ेगा तो वो हीरो दिखेगा, क्योंकि शिविर इज़ अ वेरी डर्टी प्लेयर। सो दैट्स वाई आई थिंक दिग्विजय की जो भी हुआ सिचुएशन वहाँ, ही लुक बेटर बिकॉज ही लुक एज अ बिगर मैन। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ दिग्विजय था, मैं वहाँ था और आकृति और मेरा भी बहुत अच्छे फैन फॉलोइंग है, एंड आई थिंक एक बार शिविर कुछ बोल रहा था, वीडियो भी है, और मैं बोल रहा हूँ देख सुन जनता क्या बोल रहा है, और मुझे कुछ मेरे पास माइक भी नहीं था, और लेकिन एज ऑलवेज आई डिडंट हैव टू से मच, माय साइलेंस वाज लाइक देख ये लोग बोल रहे हैं मैं ठीक हूँ, बिकॉज ऑडियंस इज शोइंग मी प्यार, और जनता की प्यार कमाना बहुत ही मुश्किल है, और आई हैव गॉट दैट सो आई एम ब्लेस्ड। चलिए समय का मद्देनजर रखते हुए हम लोग आखिरी सवाल पर पहुंचते, मैं आप चारों जान लूंगा इनकी जर्नी को देखकर अगर आपको कोई एक वर्ड इन्हें देना हो तो कौन सा होगा? को अगर आप देना चाहते हो कौन सा? मिस्टर पेशेंस। क्या बात है, उसका डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, कीप वर्किंग हार्ड, बी जेंटल। आप क्या देंगे? स्टार हीरो, स्ट्रेट अप। भाई आप ट्रू जेंटलमैन। भाई ढेर सारे अवार्ड्स प्यार मिले जनता की तरफ से जिन्होंने आपकी रियल लाइफ जर्नी में साथ दिया, उन दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू से कि थैंक यू सो मच, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, और आपके प्यार हमेशा मैं ये याद रखूँगा, एंड आई मेक श्योर आई मेक यू प्राउड, आई गो टू न्यूअर हाइट्स, डिफरेंट हाइट्स, और आप लोग ज़रूर मुझे थिंक मे बी अगले 3-4 महीने देखेंगे एक और बार। भाई ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दिया दोस्तों, और भाई रियली बहुत जेन मैंने आगे जाएंगे, मैं चाहता हूँ लास्टली भाई एक चैनल आईडी दे दीजिए। हाय माय नेम इज दिस एंड यू वाचिंग ऑन बज़ूका। हेलो माय नेम इज यशवंत बोपन्ना एंड यू वाचिंग मी ऑन बज़ूका।